और तैमूर का जिक्र करा गया, क्या जो आपके ऑन स्क्रीन सन हैं और तैमूर दोनों दोस्त भी हैं? आर दे फ्रेंड्स? नहीं, नॉट एट ऑल, दैट्स नॉट ट्रू, दे कंप्लीटली, तैमूर वाज नॉट इवन एट द शूट। ओके, व्हाट आर द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट? जब हम बात करते हैं हंसल मेहता साहब की, एक अलग तरह का सिनेमा बनाते हैं, और आपकी जब हम बात करते हैं, आपने शायद ही कोई सिनेमा छोड़ा होगा जो आपने नहीं किया होगा, तो ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हंसल सर की तरफ से, तो आपके लिए क्या चैलेंजिंग? सही है, सही है, नोट कर लिया। तो व्हाट आर द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल वर्किंग विद हंसल सर, क्योंकि ये एक अलग तरह का सिनेमा है और एक अलग तरह की तैयारी है। आई वुडंट से दैट एक अलग तरह का सिनेमा है, आई थिंक जैसे आज देखा जाए तो आई डोंट थिंक देयर इज कि ये ऐसे सिनेमा है बिकॉज इट इज दिस काइंड ऑफ अ यू नो सॉन्ग एंड डांस फिल्म, तो यू शुड पुट इट इन अ बॉक्स कि ये यू नो मास पिक्चर है, ये अच्छी पिक्चर है तो लोग देखेंगे। And we have like, I mean, I think there's nobody better than to make this film which has such amazing content at the same time as emotion than Hansal himself. Because I think the way he has shot it and stuck to the authenticity of the film, which is, wo London mein rehne wali hai, her life is in UK. So when you live there, you talk to people in English only. So jo characters wahan ke hai, jo Hindi jaante hai, hum Hindi baat kar rahe hai, jo Angrezi hai, Angrezi baat kar rahe hai. So it's a different mix, and I think he's been perfect to shoot this film and make this film with the emotion. आप इसमें detective बनी हैं industry में, अगर किसी की जासूसी करना चाहें तो किसकी करना चाहेंगे? नहीं, वो मुझे किसी की जासूसी, मेरे पास time नहीं है किसी की जासूसी करने के लिए। आप लोग छोड़ते नहीं हो जासूसी के लिए। Karina, all right, we take two more questions. Hi, Karina. Hi here.